दिए। पूरा परिसर औद्योगिक भवन का जो पूरा आसपास का परिसर झूम रहा है, तुल्य देव तुल्य अतिथिगणों का। और के ज्योति स्वरूपम वो दीपा परिवेशम प्रकाशाय कुरु नित्यम ही सर्वत्र विशुद्धम वायुमंडलम ना तो रूपम ना चाकारो। और आपके आगमन में कुछ प्रदान कर और सौभाग्य का प्रतीक ये नन्हा सा पौधा स्मृति के रूप में आपको आज के ऐतिहासिक दिन है। हम सर्वप्रथम हमारे इस हॉल पे आज उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नियुक्ति पत्र स्थिति ने हम सभी के मन को उत्साह और जोश। और जैसा कि हम सबको पदन हेतु भारत में कृषि की गौरवशाली परंपरा रही है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ निबंधक सहयोग समितियां लेते हुए ग्रहण करते हुए माननीय आप सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। एवं श्री नमन प्रभात सूरी सुश्री अर्चना तिर्की श्री रोलिंग जीवन सोय श्री रोलिंग जीवन श्री मुक्ता रानी श्री मैं ईश्वर की शब्द लेता हूं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंधकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से मुझे दिए गए जिम्मेदारी का पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन आज पहले मुझे लगता है राज गठन के बाद छोटे बड़े नियुक्तियां हुई होंगी। हमने कहा इस बार नियुक्ति नहीं शपथ ग्रहण के साथ नियुक्ति करेंगे। इस राज के लिए हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज हम लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर बसरते इस राज की व्यवस्था को हम बिल्कुल मजबूती प्रदान करें, हमारी प्रयास है कि आप सब लोग ठीक ठाक से काम करें। लेकिन हम लोगों को रुकना नहीं है, चलते जाना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। इसलिए शायद मैं बहुत आप लोगों का समय ले चुका। आप चाहते हैं कि अब हम लोग समय काम करने में ज़्यादा बिताएं और आप लोगों के लिए जो अब ATI में ट्रेनिंग सेंटर है, शायद मेरे घर के बगल में ही आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर भी है। आप लोगों के लिए भी एक बेहतर ट्रेनिंग सेंटर बनाने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ कर दिया। शायद मुझे लगता है कि वो शुरू भी हो चुका है। जो हमारा कोयला लोहा जिस तरीके से पूरे देश में अलग पहचान बनाता है, किसी के क्षेत्र में भी इस राज को हम अलग पहचान दें, इस लक्ष्य के साथ हम काम करें।
इसके लिए कई अभी चीज़ें पाइपलाइन में है। आप लोगों को समय समय पर विभाग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से उन सब चीज़ों को बताया जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत रिक्तियां भी अभी बाकी हैं। रिक्तियों के बारे में सचिव महोदय ने बताया कितने बड़े पैमाने पर रिक्तियां बाकी हैं। उन सभी को हम लोग चरणबद्ध तरीके से भरने का लगातार प्रयास में है। समय ले चुका, हम चाहते हैं कि आप हम लोग समय काम करने में ज्यादा बिताएं और आप लोगों के लिए जो उधर सब लास्ट तक आ रहा है ना।